कासगंज में योग गुरु बाबा रामदेव के आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हरिद्वार से आए प्रचारकों ने यहां डेरा जमा लिया है। इधर डीएम और एसपी ने बुधवार को आयोजक मंडल के साथ बैठक की, साथ ही 12 पत्थर मैदान पर पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए। दरअसल शहर के 12 पत्थर मैदान में 8 से 10 अप्रैल तक लगने वाले योग महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के योग चिकित्सा योग ध्यान शिविर को लेकर कासगंज जिला प्रशासन भी पूरी तरह सजिंदा है, जिसको लेकर कासगंज डीएम हर्षिता माथुर और एसपी सौरभ दीक्षित ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजक मंडल के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था पर चर्चा हुई। वहीं डीएम ने शिविर को लेकर एआरटीओ रोडवेज स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जबकि एसपी ने योग गुरु बाबा रामदेव के आगमन से लेकर उनके 3 दिन तक के प्रवास और शिविर स्थल तक उनके आने जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजक मंडल और अपने अधीनस्थों के साथ चर्चा की। जिसके बाद डीएम और एसपी ने 12 पत्थर मैदान का मुआयना भी किया, जहां वाहनों की पार्किंग को लेकर आयोजक मंडल और सीओ यातायात के साथ ही सीओ सदर को बेहतर प्लानिंग के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 8 से 10 अप्रैल तक चलने वाले योग शिविर में संध्या काल में विद्यार्थियों को भविष्य के निर्माण के लिए योगपीठ की ओर से शाम 4 बजे से 7 बजे तक विद्यार्थी संस्कार और चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं 9 अप्रैल की शाम को 6 से 8 बजे तक सनातन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर अपनी टीम के साथ भजन गायन करेंगी। देखिए, जनपद की जो टीम है इस विशेष कार्यक्रम के लिए जो डेप्यूट की गई है, उन सभी आयोजककर्ताओं के साथ जिला प्रशासन की टीम टच में है। आज देख सकते हैं आपके मौका मुआयना हम लोगों के द्वारा किया गया, जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, विद्युत सुरक्षा है और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था है, पार्किंग आदि जितनी भी समस्त तैयारियां की जानी है उसके संबंध में आज मौका मुआयना किया है और संबंधितों को निर्देशित किया।